ओम असतो मा षड्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायामृतमगमय। हे मां मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्योर्मायामृतमगमय मृत्यु से पार करो और मेरा जीवन सबके कल्याण के निहितार्थ, सबके लाभ के लिए, सबके परोपकार एवं सेवा के लिए समर्पित हो जाए। इन्हीं दिव्य संकल्पों के साथ अभी हम लोग एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और अनुलोम विलोम के माध्यम से हम प्राणायाम का आनंद लेंगे। आंखों को खोलिए। अब मैं आपको अनुलोम विलोम का विधि बता रहा हूं। हम लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हैं शांत होकर के। अब दाहिने हाथ को हल्का उठाइए ऊपर, तर्जनी को मोड़ लीजिए मेरे जैसा, जैसे मैंने मोड़ा है। अब ये अंगूठा को दाहिने नाक पर रखिए। दाहिने हाथ का प्रयोग करना है, बायां वाला नहीं। हाँ, दाहिने हाथ को ऊपर उठाना है, जो बाएं हाथ उठाए हैं वो दाहिना कर लो। तुम्हारा दाहिना हाथ है वो। हाँ, दाहिना हाथ का मतलब जिससे हम खाते हैं, राइट हैंड। अब मैं हरियाणा में गया था वहां सिखाने के लिए, एक महीना थे हम लोग वहाँ। दाहिने हाथ मतलब नहीं समझता था वहाँ, दाहिने हाथ मतलब सीधा हाथ, बाएं हाथ को उल्टा हाथ बोलते हैं वहां पर। तो दाहिने हाथ को उठाया, दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखा, बाएं नाक से धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को भरेंगे। सांस जब भर जाए तो सांस अंदर रोक लेंगे और बाएं नाक को बंद कर लिया और दाहिना अंगूठा से दाहिना अंगूठा हटा करके दाहिने नाक से सांस को छोड़ दिया धीरे धीरे। फिर दाहिने नाक से सांस भरेंगे, फिर दाहिना नाक बंद किया और बाएं नाक से छोड़ने लगा, यानी 5 सेकंड तक बाएं नाक से भरे सांस को, फिर बायां बंद करके 5 सेकंड तक दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से लिया, फिर दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ने लगा। अब आइए मिलकर के अभ्यास करते हैं। आंख बंद कर लीजिए पूरा और यह 5 मिनट तक कोई हिलेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई आंख नहीं खोलेगा। इतना ध्यान रख करके अभ्यास करेंगे आप। बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरेंगे, फिर बाएं नाक को मध्यमा और अनामिका उंगली से बंद करके दाहिने नासिका से प्राणवायु को धीरे धीरे बाहर करेंगे, फिर दाहिने नासिका से धीरे धीरे प्राणवायु को अंदर करेंगे, फिर दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नाक से धीरे धीरे प्राणवायु को बाहर करेंगे। अब यही क्रिया चलने दीजिए 5 मिनट तक और आपका ध्यान पूरी तरह से अपने सांसों पर टिका हुआ रहेगा। आंखें बंद, मन शांत, मेरे दिल को सीधा। हमारा ध्यान उस परम पिता परमेश्वर के स्वरूप सांसों पर टिक रहा है कि हे प्राण देवता, हे प्राणेश्वर, आपके बदौलत ही मेरा जीवन चल रहा है, आपके कारण ही मेरा अस्तित्व बचा हुआ है। या यदि हमें और आपको कोई पूछने वाला है, इंतजार करने वाला है, तो वह सांस के बदौलत, सांसों के ही कारण यदि हमारा या आपका यदि सांस रुक जाए तो घर वाला घर नहीं ले जा करके बाहर से ही शमशान ले जाने की तैयारी करता है। इसलिए उस दिन को भूले नहीं जिस दिन हमें सबको इस जगत को छोड़ के जाना है। हम जिसके लिए कुकर्म करते हैं वह कर्म हमें ही उसका फल मिलने वाला है। इसलिए जब भी कोई जीवन में काम करें तो काम करते समय, कर्म करते समय उसी समय सजग होना है और भूल करके भी कोई भूल ना हो। और परमात्मा के चरणों को याद करते हुए
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। एक बार दृष्टि डाली संपन्न हो गया। हे परमात्मा, हम अपने जीवन के डोर तेरे हाथों में सौंप रहे हैं, हम अपने जीवन तेरे चरणों में सौंप रहे हैं, और यह जीवन तेरे हाथों के द्वारा, तेरे निर्णय के द्वारा चलने वाला है। जन्म ही तेरा, मृत्यु भी तेरा, जीवन भी तेरा, सब कुछ तेरा, यानी सब कुछ तुझे ही अर्पित कर रहा हूँ, इसलिए मेरा क्या लाज लग रहा है। अब जब अनुलोम विलोम का नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको बीमारियों के रूप में क्या लाभ मिलेगा, मैं वो बता रहा हूँ। किसी को मिर्गी की बीमारी करी अभ्यास बता दी अभी भैया 2 मिनट भी नहीं हुआ है, 5 मिनट के बाद शुरू होगा और 15 मिनट तक अभ्यास यात्रा करनी है। यात्रा करिए ना, सोचिए कि हम गंगोत्री जा रहे हैं, हम अपने माँ बाप को कंधा में डाल करके श्रवण बन करके तीर्थ यात्रा कराने निकले हैं, हम काशी निकले हैं, हम मथुरा निकले हुए हैं, हम गंगा सागर की यात्रा पे निकले, ऐसा भाव मन में पैदा करिए और उसी यात्रा को तय करते हुए धीरे धीरे प्राणवायु को भरने और छोड़ने की अभ्यास करें। आपको मिर्गी की बीमारी, आपको गैस कब्ज की बीमारी, साइनस की बीमारी, जिसको बार बार सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, बुखार लग जाता है, उनके लिए भी लाभकारी। जिनका मन बार बार क्रोधित होता है, लड़ाई झगड़े का मन करता है, किसी का धन हड़पने का मन करता है, चोरी का मन करता है, उचक्का या उठाई गिरी का मन करता है, चुगली का मन करता है, वैसे व्यक्ति के विचारों को भी पवित्र कर देने वाला यह अभ्यास है। अनुलोम विलोम